उठो, कब तक सोओगे यार, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। जब तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के, भाई कहां ले गया इसको, है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगा उसको यहां से उठा के। और तुमने जाकर उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए, ऐसे बनाओ इसको मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। और कैसे आए हो? पैदल आए हैं सर। पैदल? मुकेश को फोन लगाओ जी। भाई वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, वो थोड़ा कहेंगे मुकेश भाई, मुकेश को फोन लगाओ। मुकेश हाँ, वो जो तुम्हारा इंटीरियर के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें टॉप फ्लोर वाले बिल्डिंग फ्लैट इसको दे दो। कितने का है? 8.5 करोड़ का, दे दो उसको, जाओ रहो। बाहर एक BMW खड़ी है, दो चाबी, चाबी दे दो उसको। बीवी है जी? नहीं, ना हो तो उसको भी दिलवाए। गरीब किस बात से? तुम जो देखो, जो जो संत महात्मा प्रवचन करते रहते हैं, वहां किसी बड़े आदमी को बैठा दिखाओ। बड़े आदमी आते हैं, फीता काटते हैं, दिया जलाते हैं, चले जाते हैं, उनको नहीं सुनना ये सब बातें। जितने भी बड़े बड़े पंडालों में तुम जाओगे, वहां तुमको सिर्फ गरीब लोग मिलेंगे प्रवचन सुनते हुए। नहीं जाओ, चाहे हिंदू प्रवचन हो, चाहे मुस्लिम प्रवचन हो, चाहे क्रिश्चियन प्रवचन हो। क्रिश्चियन तो करते नहीं, अमीर लोग हैं सब, यही दो लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान। गरीब तुम्हारी अच्छी बातों से प्रभावित रहता है और अमीर तुम्हारी फायदों की बातों से। जब तुम गरीब से फायदे की बात करते हो वो तुमसे नाराज हो जाता है, और जब तुम अमीर से अच्छी बात करते हो वो तुमसे नाराज हो जाता है। शरद पवार से मिलने हो तो कोई काम की बात सोच के जाओ, बिठाएंगे तुमको, चाय वाय पिलाएंगे। काबिल जो लोग काबिल, वो किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे, लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं।